अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा कोर्स करें कि घर बैठे आप ऑनलाइन कमा सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मार्केट में ऐसे बहुत से कंप्यूटर कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको करने के बाद आप घर बैठे ऑनलाइन कमाई शुरू कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप देश विदेश की अलग-अलग कंपनियों से काम भी पा सकते हैं और पेमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इन कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में। मेरा नाम है विपिन कपूर, तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन है ये ज़्यादातर होती है 3 मंथ्स। इसके अंदर हम कई तरह की एप्लीकेशंस हमें सीखनी होती हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और पेज मेकर। इन सारी एप्लीकेशंस को करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह से हम रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस में काम करेंगे। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो इसकी जो लर्निंग आउटकम है, यानी कि हम क्या-क्या अब करने के काबिल हो जाएंगे। नंबर 1, लोगो मेकिंग। हम आसानी से लोगो बना सकते हैं, वेब डिज़ाइन और वेब बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, साइन बोर्ड्स बना सकते हैं, हर तरह की ऑनलाइन ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी डिज़ाइन करना, जैसे स्कूल कॉलेजेस के लिए एडमिशन फॉर्म्स बनाना, बिल बुक्स क्रिएट करना, इस तरह के कई काम जो हैं इससे किए जा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड्स क्रिएट करना, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स या पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करना, और पैकिंग मटेरियल जो अलग-अलग कंपनीज हैं जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं उसको एक खूबसूरत पैकिंग की ज़रूरत होती है, तो पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए उसके ग्राफिक्स कैसे डिज़ाइन करने हैं ये काम भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर कर सकते हैं। अगर हमें ये सारा काम करना आ जाता है देन हम कई तरह के ऑनलाइन वर्क जो हैं वो घर बैठे ही कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, वेब डिज़ाइनिंग कंपनीज हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनीज हैं और लोकल प्रिंटिंग प्रेस हैं जिनको इस तरह के ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अलग-अलग तरह के काम आपसे करवा सकें। तो ये सारा काम आप ऑनलाइन करके घर से बना के ही डिज़ाइन उनको दे सकते हैं और इससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। आजकल बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना काम आउटसोर्स कर रही हैं, तो हमें ऐसे में आपको फॉरेन क्लाइंट का काम भी मिल सकता है। नेक्स्ट है वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 से 8 महीने तक। इसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हम सीखते हैं वो हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ड्रीमवीवर, फोटोशॉप। इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने के बाद आप कोई भी स्टैटिक वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। अगर आप डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें डेटाबेस भी साथ में यूज़ होता है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा PHP और MySQL या फिर ASP.NET। तो इनकी हेल्प से आप डायनामिक वेबसाइट भी बना पाएंगे। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट CMS प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनमें है वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप और शॉपिफाई। तो इनको यूज़ करके आप कोई भी परफेक्ट ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। तो इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करने के काबिल हो जाएंगे। इसके ज़रिए आप स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट बना पाएंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी आप इजली क्रिएट कर पाएंगे। ऑनलाइन वर्क, इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत सारा ऑनलाइन काम मिल सकता है, क्योंकि आजकल चाहे स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस, हर एक को अपनी वेबसाइट बनानी होती है। वेबसाइट के लिए बहुत सारी वेब डिज़ाइनिंग कंपनीज हैं जो आपको आउटसोर्स करती हैं अपने काम को, वहाँ से भी आपको काम मिल सकता है, और जो लोकल बिजनेस है वहाँ से भी आपको वेबसाइट का काम ईजली मिल सकता है। नेक्स्ट कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग और SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है ये होती है 2 मंथ्स। एक्चुअली इस कोर्स में हम ये सीखते हैं कि
जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनकी गूगल रैंकिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स विजिट करें। इस कोर्स के अंदर जो एप्लीकेशंस हम सीखते हैं वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम कैसे काम करेंगे, ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, डायरेक्टरी लिस्टिंग क्या होती है, ब्लॉग राइटिंग क्या होती है, गूगल वेब मास्टर और एनालिटिक्स टूल्स, या इसके अलावा और भी बहुत सारे SEO टूल्स होते हैं, उनके बारे में हमें सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद हम क्या करने के काबिल हो जाते हैं, तो इसकी लर्निंग आउटकम में आता है सबसे पहले वेबसाइट गूगल रैंकिंग, कि हम किसी भी वेबसाइट की गूगल रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मार्केटिंग स्किल्स के बारे में भी हम इसके ऊपर सीखते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा ऑनलाइन वर्क आजकल नेट के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं जिनके लिए हम काम कर सकते हैं, और ये सारा वर्क जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं जिनके ऊपर जाके हम डिजिटल मार्केटिंग का काम ले सकते हैं और उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है C# या VB.net। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 2 से 3 महीने। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो इनके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक यूज़ होता है विजुअल स्टूडियो, जिसके अंदर C# और VB.net की हम कोडिंग लिखते हैं। इसके अलावा .NET प्लेटफॉर्म, C#, VB.net, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमें सीखनी होती हैं। इस लैंग्वेज को करने के बाद जो लर्निंग आउटकम है, यानी कि हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे इन लैंग्वेजेस को करने के बाद, सबसे पहले है इसके ज़रिए हम ऑफलाइन और ऑनलाइन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो जैसे MS Word है, Notepad है, WordPad है, Skype है, इस तरह की जितनी भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो हम यहाँ पे इजीली डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस सेंट्रिक एप्लीकेशंस, वो भी इसमें आसानी से बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेस हैं जिनके अंदर हमें छोटे छोटे कई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट आपको इन लैंग्वेजेस से पूरी हो सकती है। तो इनके ज़रिए हम वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो आपकी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकती हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन वर्क है, यानी कि बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेस हैं जिनके लिए आप छोटी छोटी इस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मेरी एक बहुत ही पॉपुलर C# में बनी हुई एप्लीकेशन है लैब टेस्टिंग की। लैब टेस्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे मेरे C# में ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है जावा एंड एंड्रॉयड स्टूडियो। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 से 5 महीने तक हो सकती है। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हम सीखते हैं वो है जावा, यानी कि कोर और एडवांस जावा में हम कैसे काम करेंगे। इसके अलावा इसके लिए जो IDEs यूज़ होती हैं वो है इंटेलिजे आइडिया या NetBeans, और इसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जावा और एंड्रॉयड स्टूडियो सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम मोबाइल एप्लीकेशन डिवेल्प कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड बेस्ड हों। उसके अलावा डाटा सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशंस हम ईजिली डिवेल्प कर सकते हैं, और आजकल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोई स्कूल है, कॉलेज है, स्मॉल स्केल बिजनेस है या इवन लार्ज स्केल बिजनेस हैं, वो भी इस तरह की एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वर्क, बहुत सारी कंपनीज जो मोबाइल एप्लीकेशन डिवेल्प करवाना चाहती हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, और उनके लिए आप ऑनलाइन वर्क जो है वो कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा इससे आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 से 2 महीने होती है। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर हम सीखते हैं वो बेसिकली होता है कि इंग्लिश और हिंदी की जो बेसिक टाइपिंग है वो हमें करनी आनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग ट्यूटर जैसे ऐप्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप फास्ट टाइपिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत सारा ऑनलाइन वर्क अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द जो काम है जो इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर होता है
उनमें सबसे ज़्यादा काम डाटा एंट्री का है। तो ऐसे कई तरह के कोर्स हैं जिनको करने के बाद आप घर बैठे बहुत अच्छी खासी इनकम जो है वो कमा सकते हैं, मगर कोर्स करने के बाद ये काम हमें मिलेगा कहाँ से? इसके लिए बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर जाकर आप फ्री में काम ले सकते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है फ्रीलांसर। इसके अलावा अपवर्क, गुरु, फीवर, एलांस, ओडेस्क, ट्रूलांसर, वर्क एंड हायर, प्रो ब्लॉगर, सिंपली हायर्ड, आई फ्रीलांस और पीपल पर आर। इन वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और ढेरों काम जो है वो घर बैठे ही आप पा सकते हैं। अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल बना लेते हैं तो आपको बहुत सारा काम मिलेगा। इन सभी वेबसाइट्स में आपको प्रॉपरली पहले रजिस्टर किया जाता है, आपकी प्रोफाइल बनती है, आपकी बैंक डिटेल्स ली जाती है और जैसे जैसे आप काम करके देते जाएंगे उसका पैसा आपके बैंक में सीधा ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से आप घर बैठे ही अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। इन केस ऑफ एनी सजेशंस, काइंडली ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी शैल बी ग्लैड टू लिसन फ्रॉम यू। माय नेम इज विपिन कपूर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।